सोनम प्रजापति। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉपीराइट स्ट्राइक की। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने व्हाट्सएप स्टेटस बनाते हैं और उसमें किसी और का वीडियो ले लेते हैं या फिर किसी और का ऑडियो ले लेते हैं। फ्रेंड्स, यह सब कुछ टाइम तक तो अच्छा चलता रहता है, एक साल भी अच्छा चलता है, दो साल भी अच्छा चलता है और समटाइम्स तीन साल भी अच्छा चलता है। ऐसे चैनल जो लोग दूसरों का ऑडियो और वीडियो लेते हैं उनके सिर्फ दो या तीन साल तक चैनल चलते हैं, दो या तीन चार साल के बाद उनके चैनल को या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर उनको कुछ टाइम दिया जाता है एक दो महीने का कि आप इन वीडियोस को डिलीट कर दीजिए या फिर इनका ऑडियो चेंज कर दीजिए। फ्रेंड्स, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको किसी का सॉन्ग नहीं लेना है, किसी का वीडियो नहीं लेना है, अपना खुद का वीडियो बनाना है, अपना खुद का ऑडियो तो खैर हम नहीं बना सकते हैं। YouTube हमको काफ़ी सारे ऑडियोस देती है, आपको वही ऑडियो लेना है जो YouTube देती है, वो ऑडियो आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पर आप जबकि YouTube वाले खुद दे रहे हैं हमको ऑडियो, हमको इधर उधर भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं है और इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप के ऑडियो मिल जाते हैं लेकिन सॉन्ग्स मिलने के चांसेस नहीं होते हैं YouTube लाइब्रेरी से। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी मत कीजिएगा ऐसी गलती। मैंने भी ऐसी गलती की। मेरा एक चैनल था सोनम प्रजापति जिसमें मैं व्हाट्सएप स्टेटस बना दी थी और मैं उसमें किसी और का म्यूज़िक डाल देती थी और कुछ कॉमेडी वीडियोस भी बना दी थी जिनमें मैं 10-15 सेकंड का म्यूज़िक ले लेती थी। मुझे ना ही कभी कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आया, ना ही कभी कोई कॉपीराइट क्लेम आया मेरे चैनल पे। लेकिन मुझे मतलब 3 साल हो गया डालते डालते, कुछ भी नहीं आया मेरे पास, मतलब कुछ भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया मेरे पास। लेकिन पिछले 1 महीने में मुझे एक मेल आया, ये वीडियो मैं काफ़ी 1 महीने बाद बना रही हूँ, पिछले महीने में मुझे मेल आया कि आपके चैनल से जो है वो आपका मोनेटाइजेशन बंद कर दिया गया है, आपके पास 1 महीने का टाइम है, या फिर आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो या फिर डिलीट कर दीजिए उन वीडियो को। तो फ्रेंड्स, मेरी कुछ ऐसी वीडियो थी कॉमेडी वीडियोस जो जिनके बीच बीच में से मतलब कुछ डायलॉग्स थे, फिर थोड़ा सा म्यूज़िक डाल दिया, फिर डायलॉग्स थे, फिर थोड़ा सा म्यूज़िक डाल दिया। तो अब वो डायलॉग्स के बीच में से उस म्यूज़िक को हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे सारी वीडियोस डिलीट करना पड़ी, मेरे सारे स्टेटस के म्यूज़िक को डिलीट करना पड़ा मुझे। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी दिमाग पकाओ हो गया और मेरा 2 महीना वेस्ट हो गया इसमें। फ्रेंड्स, आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, आप प्लीज़ अपना ही कंटेंट यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, अपना करियर इस पर बनाना चाहते हैं, तो आपको हर एक स्टेप इसकी फॉलो करना पड़ेगी। ऑल पॉलिसीज़ को पढ़ लीजिए आप, कोई भी चीज़ यूट्यूब के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, आप और भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं कुछ ही दिनों के बीच में मैं मतलब वीडियोस डालती रहती हूँ यूट्यूब के बारे में और काफ़ी टेक्निकल वीडियोस बनाती हूँ, फोटोशॉप की वीडियोस बनाती हूँ, आफ्टर इफेक्ट्स की वीडियोस बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल से बहुत कुछ सीख सकते हैं, यह बिल्कुल मुफ्त है। फ्रेंड्स, बस आपको प्लीज़ सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कोई क्वेश्चन हो आपको मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं आपकी मदद करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।